सुना ही सुना था, पर अब तो अपनी आंखों से भी देख लिया कि तू कैसे किसी गैर मर्द के घर में रह रही है, वो भी बिना किसी रिश्ते के। तभी तो तुम दोनों माँ बेटी की पूरे पटियाला में थू थू हो रही है। क्या क्या जतन किए थे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए, ताकि शादी हो जाए तो इस मिनी से पीछा छूट जाए। पर मुझे क्या पता था कि इस मिनी के चर्चे प्रीत के होने वाले ससुराल तक पहुंच जाएंगे। किट्टू जी का फोन आया था, परसों वो पसंद करके गए थे और अब कह रहे थे कि अगर इस मिनी से रिश्ता रखा ना तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा कहा किट्टू जी ने? गुड गुड, अभी रंग दिखा दिए उसने अपने। और वो कौन होता है तुझसे रिश्ता तोड़ने वाला? तू खुद उस इडियट से अपना रिश्ता तोड़ दे। मैं पहले ही बोल रही थी तुझे, ये किट्टू ना अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, तो तू मेरी बेटी को भड़का रही है। तू ही है जिसने इसको बिगाड़ के रखा है और अब तू उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। रानू आंटी प्लीज, मैं बहुत टाइम से खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन आप बकवास करते जा रहे हो। मेरे लिए, मेरी बेट्स के लिए, हनुमान अंकल के लिए हर चीज की एक हद होती है। और आप क्या बोल रहे थे, मैं प्रीत की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ? अरे आपने खुद अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद की है। इतनी कम उम्र में, जब उसकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई है, आप उसकी शादी करा रहे हो? कम ऑन रानू आंटी, आप जैसी माँ हो तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है। बस कर मिनी, चुप हो जाओ। तो जिसके बारे में बात कर रही है ना, वो मेरी मम्मी जी है। और अगर तुझे अपनी बेब्स के लिए बुरा लग सकता है ना, तो मुझे भी अपनी मम्मी जी के लिए बुरा लग सकता है। वो जो भी कर रही हो, अच्छा या बुरा, अपनी बेटी के लिए कर रही है ना। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? तू है कौन हा जो वो अच्छी मॉम है या नहीं है का सर्टिफिकेट देगी उन्हें? तुझे माफी मांगनी होगी मेरी मम्मी जी से, अभी क्या अभी। पागल हो गई प्रीत? नो आई गेस यू नो व्हाट, मुझे पता तुझे क्या हुआ है। उस किट्टू के प्यार में ना पागल हो गई है तू। राइट रॉन्ग सब मिक्स करके बैठी है। आई डोंट केयर मिनी, अपने ये राइट रॉन्ग ना अपने पास ही रखना। अगर तू मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है तो तुझे अभी के अभी मेरी मम्मी जी से माफी मांगनी होगी। प्रीत तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और मैं इसे एक बार नहीं 100 बार माफी मांग लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले इन्हें मेरी बेब से और हनुमान अंकल से माफी मांगनी होगी। माफी मांगे मेरी जुत्ती। फाइन देन, अगर ये माफी नहीं मांगेगी तो मैं भी माफी नहीं मांगूंगी। सोच ले मिनी, अगर तूने आज मेरी मम्मी जी से माफी नहीं मांगी ना, तो हमारी दोस्ती खत्म। सोच लिया क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही यार। मैं बहुत मिस किया तुझे। मम्मी जी, किट्टू जी से कहना कि प्रीत अब मेरी दोस्त नहीं। अब चलो मम्मी जी। बात सुन मेरी। नहीं बेब्स, आज मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, ना ही तू मुझे कुछ समझाएगी ना बताएगी। अरे देखा नहीं कैसे बात करके गई है वो? ऐसे कोई बात करता है क्या? एक मिनट में ऐसे सब खत्म कर दिया उसने।
भूल गई, वो सब कुछ भूल गई, हमारी फ्रेंडशिप, हमारे फ्रेंडशिप के प्रॉमिसेस, हमारी इतनी सारी मेमोरीज, सब भूल गई वो। इट्स ओवर। मिनी, आप ही समझाइए ना मिनी को। एक्चुअली इस वक्त तो ना आप कुछ समझा सकते हो ना मैं कुछ समझा सकता हूँ, और सिचुएशन भी बहुत अजीब है ये। और ये जो एज है ना, ऐसे में दोस्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, घर वाले कोई कुछ नहीं है। आप क्या कहोगे, मैं क्या कहूंगा, या भगवान जी भी नीचे आ जाए ना तो भी कोई ना समझा पाएगा इसको। जो बात है आज इसकी और उसकी फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की, थोड़ी देर अकेले छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगी। एक तलाकशुदा औरत का क्या गुरूर, जिसे उसके पति ने उसकी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका हो, वो मुझे आंखें दिखा रही है। कैसे किसी गैर मर्द के घर में रह रही है। तुझे अपनी बेटी के लिए बुरा लग सकता है ना, तो मुझे भी अपनी मम्मी जी के लिए बुरा लग सकता है। अगर तूने आज मेरी मम्मी जी से माफी नहीं मांगी ना, तो हमारी दोस्ती खत्म। क्या करिए, तू कब से हो? चलो खाना खाते हैं। यहाँ टेबल पे रख दूँ क्या? कहाँ रखूँ? कहाँ रखेगी वेब्स? इस टेबल पे रखेगी, इस टेबल पे रखेगी खाना। इतनी धूल है यहाँ पर। धूल? अच्छा रुक जा, मैं साफ कर देती हूँ। ला यार मैं साफ कर देती हूँ। तो क्या साफ करेगी? मुझे देखना चाहिए, तो इतना डस्ट हो गई ना इधर, डस्टी डस्ट है, जहाँ देखो वहाँ डस्ट, इधर पूरा धूल ही धूल भरा हुआ है, हर जगह धूल, हवा में भी धूल, यहाँ भी धूल, जहाँ हाथ रखो धूल ही धूल, डस्टी डस्ट, ये पूरा ये सब हो गया। अरे कहाँ हो गया यार बीब, लुक एट दिस, ये इतनी धूल, धूल ही धूल है, मुझे देखना चाहिए यार, वरना कुछ नहीं होने वाला। मिनी बस, धूल ही धूल रहने वाली है। बस कर मिनी, मैं जानती हूँ प्रीत तेरी बचपन की दोस्त है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तू बहुत ज्यादा उदास है, पर मिनी तू कुछ भी कर, तू रो ले अच्छे से, तू झगड़ा कर ले, पर प्लीज ये तकलीफ, इस दर्द को, इस गुस्से को अपने अंदर मत दबा मिनी, इससे तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पागल है क्या? मैं उसकी वजह से थोड़ा ना परेशान हूं, परेशान हो मेरी जुत्ती, रूठे तो रूठे, वो ना बात करनी ना करे, मुझे क्या, मैंने ओके बेब, तो टेंशन मत ले, अगर वो अपनी माँ को लेके इतनी टची है, तो मैं भी अपनी बेब्स को लेकर सुपर टची हूँ, अपनी माँ को समझाए पहले वो, जो भी है I'm fine, तो टेंशन मत ले, ठीक हूँ मैं। क्या आए देख, एक तो इतनी बड़ी स्माइल भी कर रही हूँ मैं, अच्छा तो खाना लाई है ना, चल खाते हैं, आ जा। क्या बनाया आज? पालक पनीर, प्रीत के लिए बनाया था। ठीक है, वो नहीं खा पाई उसका लॉस। इनफैक्ट मैं बोलूं, कोई जरूरत नहीं है ये सब बना के उसे खिलाने की, कोई स्पेशल चीज, रिस्पेक्ट तो करती है नहीं तेरी, तेरे हाथ का खाना क्यों खाए फिर, छोड़ उसे फालतू में। यू नो व्हाट, वो डिजर्व ही नहीं करती है पालक पनीर, वो ना किसी की फ्रेंडशिप डिजर्व करती है, ना किसी की लॉयल्टी डिजर्व। छोड़ ना उसे, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। मिनी तेरा दूध अंडे तैयार है, ब्रेड टोस्ट कर दिए, जैम लगाओ या बटर? कुछ भी लगा दे। अच्छा ठीक है।
दिखा। यार मुझे वो ब्रेकफास्ट दे देना। मिनी एक बार बात कर लेना। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी किसी बॉबी वॉबी से बात। या तो ब्रेकफास्ट ले आना, आई एम ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। हाँ ये ले मिनी। थैंक यू। मिनी कहाँ जा रही, नाश्ता तो कर पूरा। अरे यार बेब्स मैं कॉलेज का फर्स्ट डे, ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, बाद में कर लूंगी, चल बाय। मिनी रुक, पूरे दिन भूखी कैसे रहेगी बेटा। अरे यार कैंटीन से कुछ खा लूंगी, तो टेंशन मत ले, चल बाय। मिनी मेरी बात तो सुन। अब क्या हुआ बेब्स, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है ना। ठीक है। बाय। गुड मॉर्निंग। कॉलेज जा रही है छोरी, कल अच्छी बात है, अच्छे से जा, मन लगा के पढ़ाई करना फुल डेडिकेशन के साथ, समझ रही मेरी बात। और इन केस कोई अगर करे रैगिंग सैगिंग तो सीधे FIR। और कोई अगर हमारी वीर बालिका के साथ दिल लगी करने लगे तो भाई मन ने बता दिया, थाने के अंदर पकड़ के सीधे उसकी उठक बैठक करवा दूंगा मैं 25। चल ऑल द बेस्ट। हेलो जी। कॉलेज जा रही हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं आज तुम्हारे साथ? शर्म तो आती है नहीं तुझे, बेस्ट फ्रेंड्स के बीच झगड़ा करा दिया। सॉरी मिनी जी, मेरी वजह से आप दोनों की दोस्ती टूट गई, लेकिन क्या करता, मुझे पता है कि आप उसे मेरा गैस भड़काने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आप जेलस हो या लूजर। ओ विदेशी साहब, देशी अगरबत्ती, तू विदेश जाके पढ़ तो आया लेकिन रहा तू फिर भी अंगूठा साफ, और अपनी फ्यूचर वाइफ को तू अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। तो भाई अब तू डिसाइड करेगा कि वो किससे फ्रेंडशिप करे किससे ना करे। अरे वाह सुरी, बात ऐसी कि ऐसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना, इन्होंने सारा माहौल स्पॉइल कर रखा है, निकल यहां से। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इडियट। सेम यार, घना इडियट है जो। तो यार पर प्रीत, प्रीत को पता नहीं समझ नहीं आता, इस इडियट के चक्कर में पड़ी हुई है। अरे तो तू समझा दे। मैं? हाँ। पर कल जो इतना झगड़ा करके गई है वो? भाई मैं और लाला भी तो लड़ते हैं, घड़ी लड़ाई होती है आए दिन, लेकिन फिर बेस्ट हैं। देख तेरी दोस्त रूठी है तेरे से, दोस्ती टूटी नहीं है, जाके मना ले उसे। लेकिन ये तो सचुंदर है ना, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना उसको। नहीं लेकिन क्यों, अगर उसे मेरी कुछ नहीं पड़ी तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? करने दो उसे इस सचुंदर से शादी, मुझे क्या, मैं जा रही हूं। पर मुझे ना मिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, प्रीत और बॉबी उसके बचपन के फ्रेंड है, अचानक से उनकी दोस्ती टूट गई, मिनी तो अकेली हो गई। अरे बच्चों के बीच तो झगड़ा होता ही रहता है, देखना दो दिन में फिर दोस्ती हो जाएगी। काश ऐसे ही हो नेम भी, पर अभी के लिए तो मिनी बहुत अकेली हो गई है ना, मुझे लगता है कि अब मुझे ही मिनी की फ्रेंड बनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब तुझे काम के लिए निकलना होगा। अरे तेरी नई नौकरी है, देर नहीं हो रही तुझे? हाँ इन सब बातों में तो भूल ही गई मैं, टाइम क्या हो रहा है नेम भी? अरे करम जली 10 बज गए हैं, चल जल्दी जा। अच्छा नेम भी
ये ऑटो वाले को अगर मैं सेक्टर 21 का पूछूंगी तो वो पहुंचा देगा ना? हाँ हाँ, उससे कहना शीश महल गुरुद्वारे के पास जाना है, समझी? हाँ हाँ। तूने ये तो बताया नहीं कि तुझे नया काम क्या मिला है? वो गवर्नेंस की जॉब है। मिनी कह रही थी कि शायद बच्चे को पढ़ाना होगा, अब ठीक से तो वहीं जाके पता चलेगा। अरे उस मरे कारखाने की नौकरी से तो अच्छी है ना, और तू तो बच्चों के बीच में घुल मिल भी जाती है और इज्जत का भी काम है। अच्छा है। हाँ। अच्छा रेम्बी, मैं चलती हूँ, ये घर की चाबी है, आप जाते वक्त प्लीज दरवाजा लगा देना और मैं बाद में आपसे चाबी ले लूंगी। हाँ नेकबख्त, देखना इस बार अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। अच्छा रेम्बी, बाय। मैं तेरे लिए दुआ पढ़ूंगी। हाँ excuse me, hi, actually this is my first day at college. तो ये BA के lectures कहाँ होंगे, कब होंगे, can you help me out? Next lecture तो history का है, 11 बजे। अच्छा, okay. Oh, अभी तो फिर 10 ही बजे हैं, we have an hour. By the way, I'm Minnie, hi. मैं जानती हूँ तुम्हें, कॉलेज में वो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन के वक्त देखा था। तुमने वो कराटे कॉम्पिटिशन भी जीता था ना? कॉलेज में सब पहचानते हैं तुम्हें। I'm Monica. Hi, Monica. तो एक घंटा है तो चले कहीं कैंटीन या कहीं पर, और you suggest? Actually, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। फ्रेंड्स के साथ? कौन? Actually, मैं प्रीत के ग्रुप में हूँ। लोग हम जानते हैं कि तुम्हारे और प्रीत के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। तुम दोनों अब फ्रेंड्स नहीं हो तो प्रीत के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, है ना? मोनिका चल। मोनिका चलना, तुझे पता है ना हमें लेट हो रहा है। क्या तू भी किसी से भी बात करने लग जाती है? तेरी दोस्त रूठी है तेरे से, दोस्ती टूटी नहीं। प्रीत, प्रीत एक सेकंड रुक, मुझे तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है यार। हाँ तो जो भी है जल्दी बोल, मुझे मॉल जाके 11 बजे वापस भी आना है। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी बात सुन ले और मेरी बात समझने की कोशिश कर। प्रीत देख यार, ये किट्टू ना यार सही आदमी नहीं है, ये गर्ल्स की रिस्पेक्ट वगैरह बिल्कुल नहीं करता एंड ही जस्ट प्रिटेंड्स। तो प्लीज उससे शादी मत कर, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज नॉट गुड फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। हो गया तेरा, अब मेरी सुन। देख मिनी, जस्ट बिकॉज तेरी बेब्स के साथ तेरे पापा जी लॉयल नहीं रहे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दुनिया का हर एक आदमी वैसा ही हो। कुछ अच्छे भी होते हैं, और वैसे भी मैं किसी से भी शादी करूं या ना करूं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? तू मेरी मॉम है, नहीं ना? देख मिनी, मुझे माफ कर और प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। तूने पहले ही बहुत टंटे खड़े कर रखे हैं मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब तेरी वजह से। मेरी ना शादी टूटने वाली थी तेरे चक्करों में आके। तो प्लीज अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रख और मुझे जाने दे। चल। जी नमस्ते। नमस्ते। वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आई हूँ। आप आइए, अंदर आइए। मेरी बीवी शायना, वही मिलेगी आपको। आ,
शाइना ये आई है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, वो गवर्नेंस की जॉब के लिए। ओह अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी बबीता। तो ठीक है तुम लोग बात करो, मैं निकल रहा हूँ। सुनो आप रुको ना, बता तो चले ये ठीक है कि नहीं, आप बताओगे ना? अरे मैं क्या बताऊँ, ये औरतों के मामले हैं, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता। और वैसे भी तुमने ही सारा दिन इनके साथ निकालना है। और हाँ थोड़ा कम रूड हो ना, पिछली बार तुम्हारी वजह से निकली थी। मेरा लंच बॉक्स रेडी है? तुम बैठो मैं अभी आती हूँ, टिंकू के पापा को लंच बॉक्स दे आओ। सुनंदा पानी पियोगी? हेलो टिंकू, अल्ले अल्ले छोटा बच्चा क्या कर रहा है? ये देखो इससे खेल रहे हो डबरू? अच्छा ये क्या है, मैं इससे खेलूं? हाँ क्या हुआ? आहा ये देखो क्या बात है। अरे वाह तुम तो बच्चे के साथ बहुत घुल मिल गई हो, अब तो ये बच्चा तुम्हें ही संभालना है। वो क्या है ना मेम साहब लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता बच्चा संभालने का। इसे संभालना होगा, ये तो बहुत छोटा है, अभी से क्या जरूरत है इसे पढ़ना लिखना सिखाने की? तुम पढ़ाने आई हो, मुझे लगा। अरे तुम अब तक खड़ी क्यों, बैठो बैठ जाओ। अरे उठो उठो यहाँ मत बैठो। क्यों उन्होंने तो कहा बैठने के लिए? बैठने के लिए कहा था सोफे पर नहीं, पता है ये साहब और मेम साहब का सोफा है, हमारी जैसों की तो यहाँ जमीन पे जगह है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।